दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सना पावर डीलर। देखिए, अभी करीबन शाम के 7 बज चुके हैं और हम आए इस पावर डीलर के पास। इसका क्लच फेल हो चुका है। अभी हमारे कस्टमर का फ़ोन आया था कि इसका रोटर वर्किंग नहीं हो रहा, आप आइए। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और शाम के रात के 7 बज चुके हैं भाई। तो लेकिन जो है कि हमको सर्विस देना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कस्टमर का फ़ोन आता है हमको जाना पड़ता है। तो हम आए इस पावर टिलर के पास और इसका क्लच का काम करने वाले, आपको दिखाते हैं किस तरीके से क्लच का काम किया जाता है। हेलो दोस्तों, ये देखिए, ये पावर टिलर का प्रॉब्लम हुआ है। ये देखिए, ये ट्रैक्टर गियर में था, गियर एंगेज किया है इसका, ये क्लच भी इस तरीके से ओपन किया है। लेकिन ये देखिए, इसका ये प्रॉब्लम है, इसका रोटर नहीं घूम रहा, इसका क्लच पेड का प्रॉब्लम हुआ है भाई। तो आप बने रहिए इस वीडियो के ऊपर, आपको दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आया है इसके अंदर। ये देखिए भाइयों, इसका हमने क्लच ड्रम पूरा ओपन किया है। देखिए, आप देख सकते हैं इसके क्या कंडीशन हो चुकी है क्लच पेड की। ये देखिए, एक क्लच फुली है और ये क्लच प्लेट देखिए किस तरीके से हो चुका है। ये देखिए, ये पूरा डस्ट हो गया क्लच प्लेट का। देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा डस्ट निकल रहा है, इतना क्लच प्लेट इसका यूज हुआ है। दिसतेगा मैं भी दिस लू पाइए मेरे दिसते ही तो कर दिसते ना। हो थोड़ा मागे सारा मोबाइल मागे सारा मेरा खड़ा थोड़ा। हाँ आता दिसते बॉक्स। ये देखिए भाई, इसका ये प्रेशर प्लेट जा चुकी है, क्लच प्लेट तो पूरी तरीके से यूज हो चुका है। और इसका स्प्रिंग किट है, स्प्रिंग किट में भी कोई टेंशन नहीं बचा है, स्प्रिंग किट भी खराब हो चुका है। तो अभी हम इसके तीन चीज़ बदलने वाले हैं। ये प्रेशर प्लेट है, में स्प्रिंग किट है, VST का जेन्युइन ओरिजिनल पार्ट है और एक क्लच प्लेट है। VST की ओरिजिनल है जेन्युइन। ये देखिए, VST का मार्किंग आता है इसके ऊपर। ये तीनों भी चीज़ हम ओरिजिनल जेन्युइन VST का यूज करने वाले हैं भाई। ये देखिए, सब में पहले प्रेशर प्लेट फिट होती है। ये चार प्रेशर प्लेट है लेकिन इसके अंदर भी सेटिंग होता है। ये सेटिंग के हिसाब से ये हर एक प्लेट वो जगह में फिट करना पड़ता है। अब ये पहली प्लेट है हम जो फिट कर रहे हैं। देखिए पहली प्लेट फिट कर रहे हैं, ये वाला क्लच प्लेट आ गया। फिर ये जो तीन प्लेट बाकी है इसको चेक करना है कि दो नंबर पे कौन सी बैठेगी और वही फिट करना है। कोई भी कहा भी फिट करके नहीं हो सकता भाई। सही तरीके से अगर क्लच प्लेट को सेटिंग करना है और फोन आला फिलहाल का बटन कट कर। हाँ, ये देखिए भाई, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से क्लच प्लेट इसका इंस्टॉल हो चुका है। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, ये स्प्रिंग होल्डर है और ये स्प्रिंग है, इसका इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम इसका सेटिंग लगाएंगे, आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसका सेटिंग लगाया जाता है क्लच पेड का। देखते रहिए भाई। ये देखिए भाई, इसका काम हो चुका है। देखिए अभी किस तरीके से इसका रोटर घूम रहा क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और स्प्रिंग किट, तीन चीज़ डाला है हमने। अभी ट्रैक्टर का काम हो चुका है और परफेक्ट तरीके से जो है कि ये लोड ले रहा है। अभी तो रोटर जो है कि जब नीचे छोड़ते हैं उस वक्त रोटर भी इसका घूम रहा है और मिट्टी भी ऊपर उड़ा रहा है। ये अभी पूरी तरीके से सही हो चुका है भाई। अभी रात में बहुत देर हो चुकी है इसलिए आपको हम क्लच सेटिंग नहीं दिखा सके भाई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है अभी यहाँ पे। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में आपको। बने रहिए हमारे चैनल पर। फुल कर दिया, फुल कर दिया।